हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक में हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि PSSC हो गया, PTT हो गया, राजस्थान लेवल की यानी वैकेंसी में भी एक क्वेश्चन इसका आता ही रहता है। वो क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब टू द पॉइंट, हम सीधा कैलेंडर टॉपिक में जो तो बेसिक जानकारी होगा, लोग बेसिक जानकारी करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें देखिए, कैलेंडर में मुख्यतः एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 367 दिन। इसमें 7 का भाग हो, 365 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें होगा 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। और इसमें होगा 7 का भाग देने पर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ कहीं पर हमें एक साधारण वर्ष पूरा काउंट करना होगा, तो वहाँ पर हम ये कैलकुलेशन नहीं करके सीधा एक दिन जोड़ देंगे, और जहाँ पर हम लीप वर्ष काउंट करना होगा तो वहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे। उससे आगे अब देखिए, ये तो हो गई साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब देखिए, साधारण वर्ष में लीप वर्ष कैसे याद करें। साधारण वर्ष में लीप वर्ष याद करने के लिए 4 का भाग लेते हैं, 4 का भाग देते हैं, और ये होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, इसमें लीप वर्ष क्या करने के लिए 400 का भाग देते हैं, भाग देते हैं। ये तो भी वैसी जानकारी, साधारण वर्ष में 21 है और लीप वर्ष में 2 दिन। साधारण वर्ष में लीप वर्ष याद करने के लिए 4 का भाग देते हैं और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष याद करने के लिए 400 का भाग देते हैं। अब देखिए आगे कुछ पॉइंट है जो याद रखने से हमें क्वेश्चन करने के लिए, उन पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमें कहीं पर भी 100 साल या फिर वर्ष काउंट करने हैं, तो हम बार बार 100 वर्ष काउंट करेंगे तो टाइमिंग इतना एग्जाम में टाइमिंग से मिलता है 40 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हम सीधा इसकी सॉल्व नहीं होती है, कुछ पॉइंट होते हैं तो याद रखने होते हैं कैलकुलेशन। देखिए, सबसे पहले इनको 2 भागों में डिवाइड करना है, एक होगा लीप वर्ष और एक होगा साधारण वर्ष। इसमें लीप वर्ष याद करने के लिए 400 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, पहले 4 का भाग देंगे तो इसमें होंगे 24। वैसे तो इसमें 4 का भाग 25 बार जाता है, लेकिन 100 एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देंगे, 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो फिर ये एक लीप वर्ष नहीं होगा, तो इसके 24 होंगे और बाकी हो जाएंगे 76। तो हमने साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में कितने दिन बचे थे, 1 दिन, और लीप वर्ष में 2 दिन। तो लीप वर्ष को 2 से गुणा करेंगे, साधारण वर्ष को 1 दिन। अब इनका योग करेंगे, इनका योग हो जाएगा 124। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे पीछे बचेंगे 5 दिन, यानी कि हमें जहाँ कहीं पर भी 100 वर्ष काउंट करने होंगे वहां पर हम ये कैलकुलेशन नहीं करके सीधे हम 5 दिन जोड़ देंगे। मान लो आज बार दिया हुआ है रविवार, आज से 100 साल बाद कौन सा वार हुआ, तो हम सीधे रविवार प्लस 5 दिन जोड़ देंगे, रविवार प्लस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये शुक्रवार हो जाएगा। अब देखिए आगे, 100 का हो गया 24 का देखते हैं,
एक वर्ष और साधारण वर्ष, इसमें चार भाग देंगे तो इसमें